और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, उसके होते हुए उसके साथ साथ उसके होते हुए भी हमें क्यों एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि जो हमारे नर्व फाइबर होते हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं पर बहुत ही कम टाइम के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि जो नर्व फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी की हर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा जो सेलुलर फंक्शन है उसको हर टाइम पे रेगुलेट होने की ज़रूरत होती है। तो ये रेगुलेशन हम किसके थ्रू करेंगे, हार्मोन के थ्रू करेंगे, और हार्मोन कौन बनाएगा, वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो दोनों मिलकर के हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये बिल्कुल डक्टलेस होती हैं, ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी उसको सीधा ही ब्लड में डालेगी। और वहीं जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में एक जो मेजर डिफरेंस होता है वह ये होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड नहीं होती, इनमें डक्ट होती है, ये अपने सिक्रीशन को एक डक्ट के थ्रू ऑर्गन पे डालेगी। फॉर एग्जांपल हमारी पैरोटिड ग्लैंड, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी मेमरी ग्लैंड्स, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारी हार्मोन को ब्लड में सीधा ट्रांसफ़र करती है, और इसके अभी एग्जांपल्स हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अब हम देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि नॉन न्यूट्रिएंट है, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये वर्क करता है। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बहुत सिंपल होता है। वहीं हम जब अब वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जैसे कि हम हैं वर्टिब्रेट्स में आते हैं मैमल से, तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वेल डेवलप्ड होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम, हम मेन जो एंडोक्राइन सिस्टम है उस पर आते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम को बनाता कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके साथ साथ और भी हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये मिलकर के एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर हमारी थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, उससे थोड़ा नीचे आते हैं थाइमस ग्लैंड, फिर हम थोड़ा नीचे चलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, देन गोनेड्स। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें है हाइपोथैलेमस। तो जैसा कि हमको पता ही है कि हाइपोथैलेमस हमारे डाइनसेफेलोन का बेसल पार्ट होता है और डाइनसेफेलोन फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें हार्मोन को जनरेट करने वाली जो नर्व सेल्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ न्यूक्लियाई बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिंथेसिस और उसके सिक्रीशन के लिए पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है रिलीजिंग मतलब रिलीज करवाएगा, किसको, पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो स्टिमुलेट करेगा वो रिलीजिंग हार्मोन। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि FSH और LH हार्मोन को रिलीज करने के सिग्नल देगा पिट्यूटरी को। वहीं जब हम इनहिबिटरी हार्मोन की बात करते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन को इनहिबिट करता है, मतलब उनको सिक्रीट होने से रोकने का सिग्नल देता है। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं सोमेटोस्टैटिन हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन उसको सिक्रीट होने से रोकता है। और ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, वो हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन से होते हुए एक्सोन से होते हुए न्यूरॉन के एंडिंग पर जाएंगे और पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एडिनोहाइपोफाइसिस में आएंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन को सिंथेसिस के लिए सिग्नल देंगे और सिक्रीट के लिए सिग्नल देंगे। वहीं जब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हो तो वो सीधा हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, रेगुलेशन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी है वो सेलर टर्सी का बोनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। इसके लिए हम एक वीडियो क्लिप देखेंगे, एनिमेटेड है, आप उसको देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती कैसी है। तो जैसा कि हमने हमारी वीडियो में देखा पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, इसमें हमें दो लोब दिखे, एडिनो हाइपोफाइसिस
एंटीरियर लोब और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब। तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसके फिर से दो पार्ट्स होते हैं, पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया। पास डिस्टेलिस हमारा ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी जिसको बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको मेमोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH हार्मोन, इन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। और हमारा पास इंटरमीडिएट केवल एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसका नाम है मेलानोट्रोफिन हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट होता है पास नर्वोसा। न्यूरो हाइपोफाइसिस दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। न्यूरो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता तो हाइपोथैलेमस। और हमारा पास इंटरमीडिएट केवल एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है मेलानोट्रोफिन हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट होता है पास नर्वोसा। न्यूरो हाइपोफाइसिस दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। न्यूरो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन वहाँ से न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस में कलेक्ट होते हैं और यहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में हार्मोन्स बनते नहीं हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस केवल उनको सिक्रीट करने का काम करता है। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है चाइल्डहुड कंडीशन में तो उसकी वजह से जायजेंटिज्म हो जाता है जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। मिड एज में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो उसकी वजह से एक्रोमिगेली होती है। एक्रोमिगेली और जायजेंटिज्म दोनों में ही अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, पर एक्रोमिगेली जो है वो अडल्ट कंडीशन में होता है, मिड एज में होता है जनरली। और अगर इसमें समय रहते हमें कंट्रोल नहीं किया हमने इसको तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा उसका हाइपोसिक्रीशन होता है तो उसकी वजह से पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन होता है। फिर हम देखेंगे TSH। TSH हार्मोन नाम से पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो उसके हार्मोन्स को रिलीज करें, T3 T4 हार्मोन को रिलीज करें। फिर एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा और उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम के स्टेरॉयडल हार्मोन को सिक्रीट करने का सिग्नल देगा। उसके बाद LH और FSH, ये दोनों गोनेट्स पर काम करते हैं इसलिए हम इनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। LH और FSH मेल और फीमेल की बॉडी पे अलग अलग तरह से काम करते हैं। LH हार्मोन जो है वो मेल की बॉडी में एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, और FSH जो है वो स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स होती हैं उस पर काम करता है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म का स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। इस तरह से एंड्रोजन और FSH दोनों मिलकर के स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करवाते हैं। अब फीमेल में देखते हैं, फीमेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ग्राफेन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल से ओवोल्यूशन करवाता है और बचे हुए ग्राफेन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। और FSH हार्मोन जो है वो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। और हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए काम करता है। फिर हमारा मेलानोट्रोफिन हार्मोन, ये हार्मोन मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पर काम करता है, पिगमेंटेशन करवाता है। देन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करेगा और मिल्क इजेक्शन का काम करेगा। यहाँ आपको ध्यान देना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को प्रोड्यूस करवाएगा लेकिन उसको इजेक्ट करवाने का काम, उसके इजेक्शन का काम जो है वो ऑक्सीटोसिन करवाएगा। देन वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन का नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है, तो ये यूरिनेशन के टाइम पर वाटर लॉस को रोकेगा और इसकी कमी की वजह से अगर ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से वाटर लॉस ज्यादा होता है यूरिनेशन के टाइम, तो इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम स्टार्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड पर। इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बार छोटा सा एनिमेटेड वीडियो है उसको देखें कि पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है और किस तरह की हमें दिखती है। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है वो फोर ब्रेन के डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है और मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी के स्लीप वेल साइकिल और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म,
पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है। पिनियल ग्लैंड क्या होती है ये पढ़ चुके हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड और थाइमस को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थायरॉयड ग्लैंड से। तो थायरॉयड ग्लैंड हमारी जो है वो बायलोब्यूलर होती है। इसमें दो लोब्स होते हैं जो कि ट्रेकिया के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों लोब्स जो हैं वो फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज़ के बने होते हैं। और इसमें जो थायरॉयड के हर लोब के जो फॉलिकल्स हैं वो फॉलिकुलर सेल्स के बने होते हैं। और ये फॉलिकुलर सेल एक कैविटी को घेरे हुए होती है, मतलब इनक्लोज्ड किए हुए होती है। और फॉलिकुलर जो सेल्स है वही इसके जो हॉर्मोन्स हैं T3 हॉर्मोन और T4 हॉर्मोन उसको सिंथेसाइज करती है। T3 मतलब ट्राईआयडोथायरोनिन और T4 जिसको थायरोक्सिन हॉर्मोन भी बोलते हैं और टेट्राआयडोथायरोनिन। याद रखिएगा यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो थायरोक्सिन से आएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि थायरोक्सिन T4 है या T3 है। 3 मतलब ट्राई, तो ट्राईआयडोथायरोनिन T3 हॉर्मोन हो गया, तो थायरोक्सिन T4 को बोलेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हॉर्मोन है मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं उसके लिए आयोडीन एसेंशियल होता है। और हमारे अगर हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें आयोडीन की अगर कमी आ जाती है तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म इस कंडीशन को बोलेंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के टाइम पर होगा तो उसकी वजह से जो बेबी है उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। और इस कंडीशन को हम लोग क्रिटेनिज्म बोलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से गोइटर डिजीज़ भी हो जाता है, जिसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होती है। और जो क्रिटेनिज्म है मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी है जिसकी ग्रोथ में कमी आ रही है, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसकी IQ कम होगी, उसकी सुनने की क्षमता कम होगी, उसमें एबनॉर्मल स्किन होगी। उसके अलावा अगर आयोडीन की कमी अगर अडल्ट वुमेन में होगी तो उसकी वजह से उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अबनॉर्मल हो जाएगा। अब देखते हैं कि आयोडीन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा। तो मतलब आयोडीन का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसका रीज़न होता है कि जब थायरॉयड ग्लैंड का कैंसर हो जाता है या उसमें नोड्यूल्स बनने लगती है तो उसकी वजह से जो थायरॉयड ग्लैंड है वो ज़्यादा हॉर्मोन सिक्रीट करने लग जाती है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। और इसकी वजह से तो जो एक्सोथैलेमिक गोइटर है इसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड तो होगा ही, उसके साथ साथ जिसमें ये डिजीज़ हुई है उसकी BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा। और इस कंडीशन को ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें भी एक्सोथैलेमिक गोइटर नाम से आपको नहीं पूछा जाएगा, जनरली ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से पूछा जाता है। जिस तरह से जब गोइटर हम पढ़ते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है उसमें गोइटर की जगह आपको क्रिटेनिज्म डिजीज़ का नाम मिलेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और देखते हैं हम लोग जो थायरॉयड ग्लैंड के हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या क्या और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो है कि जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बनाए रखने में बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सेकेंड रोल, थायरॉयड हॉर्मोन जो होता है वो RBC के फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो RBC के फॉर्मेशन में भी थायरॉयड ग्लैंड का हॉर्मोन मतलब थायरॉयड हॉर्मोन T3 और T4 सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी काम करते हैं। उसके साथ साथ ये वाटर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में भी काम करते हैं। उसके साथ साथ जो थायरॉयड ग्लैंड है वो एक और हॉर्मोन TCT थायरोकैल्सिटोनिन हॉर्मोन रिलीज करती है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है PTH पैराथायरॉयड हॉर्मोन के साथ मिलके। अब एक छोटा सा फोटो है उसको आप देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि थायरॉयड ग्लैंड एक्चुअल में कैसी होती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर 4 होता है, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है मतलब पीछे वाले पार्ट में। और हर एक एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी, एक लोब में एक पेयर होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का। और एक बात और याद रखना है कि जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके दोनों लोब्स आपस में इस्थमस के थ्रू जुड़े होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड के दोनों लोब्स ना कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के। तो थायरॉयड ग्लैंड के दोनों लोब्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू की प्लेट होती है पतली सी, उससे जुड़े होते हैं जिसको इस्थमस बोलते हैं। अब वापस पैराथायरॉयड पे आते हैं हम।
तो जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पीटीएच हार्मोन मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है, जिस जो नेचर में पेप्टाइड होता है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन है ये। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पीसीटी हार्मोन है इसके सिक्रीशन को हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा कैल्शियम आयन का लेवल वो रेगुलेट करता है। एक बार फिर से सुनिए, पीटीएच हार्मोन के सिक्रीशन को ब्लड में सर्कुलेट हो रहा कैल्शियम का जो लेवल है वो रेगुलेट करने का काम करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। किस तरह से बढ़ाएगा वो देखते हैं। ये जो बोन हमारी बोन होती है तो बोन में कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को, जिसको हम लोग डीमिनरलाइजेशन या डिजॉर्प्शन भी बोलेंगे, वो करवाएगा। उसके साथ साथ ये जो रीनल ट्यूबुल्स है उसमें कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव फूड में भी जो कैल्शियम है उसको अब्सॉर्ब करने का काम करेगा। इस तरह से ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। थायराइड हार्मोन और हमारा जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, मतलब पीटीएच और टीसीटी दोनों हार्मोन मिलकर के ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो लोब्यूलर होती है इसके स्ट्रक्चर, और थाइमस ग्लैंड की लोकेशन देखते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो स्टर्नम, और स्टर्नम मतलब जो हमारी चेस्ट वाली बोन होती है स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन के पीछे लंग्स के बीच में एओर्टा की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। फिर से देखिए लोकेशन, हमारी जो स्टर्नम बोन है स्टर्नम बोन के पीछे लंग्स के बीच में एओर्टा की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का जो हार्मोन है वो है थाइमोसिन हार्मोन, और थाइमोसिन हार्मोन का सबसे मेजर रोल जो होता है वो होता है इम्यून सिस्टम में। हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये टी लिम्फोसाइट बनाता है। टी लिम्फोसाइट जो कि हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बनाने का काम करता है, उसके फॉर्मेशन का काम करता है थाइमोसिन। और थाइमोसिन उसके साथ साथ थाइमोसिन जो है वो एंटीबॉडी बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी प्रमोट करता है। और एंटीबॉडी बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ये हम 12th में जो हमारा डिजीज वाला चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, पर एक आइडिया आपको ले लेना चाहिए कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनाती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडीज बनाने का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम होता है, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है, वहीं पर जो बी लिम्फोसाइट होती है वो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी देने का काम करता है। एक क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ ये डिजेनरेट होने लग जाती है। इसी वजह से जब जो हमारे दादा दादी होते हैं तो उनमें जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजेनरेट हो जाती है, मतलब लगभग डिजेनरेट हो जाती है। उसकी वजह से जो अडल्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनमें थाइमोसिन हार्मोन की कमी होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम उनका इतना अच्छा नहीं होता, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। इसलिए हम देखते हैं कि उनको बुखार जल्दी आ जाता है, खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है। तो उसका ये भी एक मेन रीजन होता है कि क्यों वो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास के बारे में आज पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में वन पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, मतलब जो दोनों किडनीज है किडनीज के ऊपर आगे वाले पार्ट में कैप की तरह प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारी दोनों किडनीज, तो किडनीज के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, इस तरह से होती हैं। और हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें मतलब मेनली जो एड्रिनल ग्लैंड के टिश्यूज़ हैं वो दो, तो एड्रिनल ग्लैंड के जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें अंदर वाले टिश्यू को बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला और बाहर वाले टिश्यू को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसको आप एक केप की तरह समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए हमारी एड्रिनल ग्लैंड है तो उसमें जो ये अंदर वाला पार्ट है ये तो हमारा हो जाएगा एड्रिनल मेड्यूला, और जो ये इसकी पूरी कवरिंग है ये पूरी कवरिंग हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगी। तो हमारा जो एड्रिनल मेड्यूला होता है वो दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन नॉर एपिनेफ्रिन, और इन दोनों को मिला करके कंबाइन करके कैटेकोलमिनस बोलते हैं। और अब हम देखते हैं, एक एडिसन डिजीज़ दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, तो एडिसन डिजीज़ क्या होती है। तो जब
एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो होते हैं वो मेनली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं। तो जब किसी को एडिसन डिजीज हो जाती है तो उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की कमी हो जाती है। हाइपोसिक्रेशन की वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमको थकान महसूस होने लगती है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो इसको हम लोग एडिसन डिजीज बोलते हैं। देन एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स पर आते हैं। तो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है उनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, फाइट फ्लाइट ऑफ फियर F3 हार्मोन के नाम से भी इनको जानते हैं। और हमारे ये जो हार्मोन्स है ये अलर्टनेस प्रोवाइड करते हैं हमको। जैसे हम सपोज करिए कि हमने अचानक से कोई सांप देख लिया, तो उस टाइम पे आप जो भी रिएक्शन करेंगे, जो भी आपका रिएक्शन होगा, वो किसकी वो हमसे जो भी रिएक्शन होगा वो कराने वाले कौन होंगे, ये दोनों हार्मोन होंगे, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। तो उस टाइम पे जब हम लोग को सांप दिखा तो क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, हमारी जो प्यूपिलरी होती है आइस की वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो स्किन के हेयर्स होते हैं वो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है। तो ये सारे जो हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है वो सब एड्रिनलिन की वजह से हो रहा है, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन की वजह से हो रहा है। इन सब के साथ साथ जो हमारे हार्मोन हैं एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो वर्ड्स मैंने बोले उनका मतलब आपको बताती हूँ मैं। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना विदाउट कार्बोहाइड्रेट, लाइपोलाइसिस मतलब फैट का टूटना और प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का टूटना। अब हम आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, मतलब तीन लेयर्स होती है, जिसमें सबसे अंदर वाली लेयर हमारी होती है जोना रेटिकुलरिस, देन जोना फेसिकुलोटा, देन थर्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कई तरह के हार्मोन रिलीज करता है और इसके जो हार्मोन्स हैं उन सबको मिला के कॉमनली हम लोग कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और कॉर्टिकॉइड्स में भी मेनली दो हम पढ़ेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में होता है कॉर्टिसोल। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में नाम से हमें पता लग रहा है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि मिनरल्स के मतलब वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए काम करेगा, इनको रेगुलेट करने का काम करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हमारी बॉडी में मेन मिनरलोकॉर्ट होता है एल्डोस्टेरोन। तो हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ अमीनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। हमारा जो कॉर्टिसोल होता है वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको सप्रेस करने का और एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये RBC प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर याद रखना, हमने जो थायराइड हार्मोन पढ़े थे उसके हार्मोन्स भी RBC फॉर्मेशन में काम करते हैं, और हमारा जो कॉर्टिसोल है वो भी RBC फॉर्मेशन में के लिए मतलब स्टिमुलेट करता है RBC फॉर्मेशन की प्रोसेस को। अब हम आते हैं एल्डोस्टेरोन पर। एल्डोस्टेरोन जो है वो मेनली रिनल ट्यूब्यूल्स पर काम करता है और सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन में काम करता है। तो इस तरह से जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और BP को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत थोड़े से अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी सिक्रीशन करते हैं, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पर एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर और प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ करवाने में रोल प्ले करता है। अब हम पेनक्रियास पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो से देखो कि एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअल में कैसे दिखती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरफ वर्क करती है। इसका केवल 1 से 2% पार्ट ही एंडोक्राइन होता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन में 1 to 2 million आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होंगे। हमारा जो पेनक्रियाटिक टिश्यू है उसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलेंगे, और हमारा जो पेनक्रियाज है वो कुछ इस तरह से लोकेटेड होता है। हमारा ये स्टमक, और स्टमक में इस साइड में मतलब स्टमक स्टमक का ये वाला लेफ्ट वाला साइड, तो लेफ्ट साइड में स्टमक के यहाँ पर पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा जो पेनक्रियाज है उसमें मेनली दो सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल है वो रिलीज करेगी ग्लूकेगॉन हार्मोन, और जो बीटा सेल्स है वो रिलीज़ करेगी इंसुलिन हार्मोन, और दोनों ही हार्मोन नेचर में पेप्टाइड होते हैं। अब ग्लूकेगॉन हार्मोन का फंक्शन पढ़ते हैं। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है उसका मेन काम होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये सारे वो काम करेगा जिससे कि ग्लूकोज बने, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में, जो कि कहाँ पर होगा, हिपेटोसाइट्स में। मतलब मेनली ये भी हिपेटोसाइट सेल्स पर वर्क करता है, हिपेटोसाइट पर वर्क करता है, और वहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस करवाता है। देन ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस करवाएगा, और ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को रोकेगा। तो इस तरह से जो ग्लूकेगोन है वो एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। देन इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब इंसुलिन का मेन काम होता है कि वो ग्लूकोज को, मतलब जो हमारा ब्लड है, ब्लड में ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ने दे। तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, पर दोनों साथ मिलकर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। तो वापस इंसुलिन पर आते हैं। तो इंसुलिन का मेन काम होता है कि ग्लूकोज को किसी ना किसी तरह से यूज़ कर लिया जाए। तो ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक है ये इसको इंड्यूस करेगा, उसको बढ़ाएगा, और जो हमारा ग्लूकोज को बनाने वाला प्रोसेस जो ग्लूकेगॉन में हो रहा था उसको यहाँ पर तोड़ने का काम करेगा, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का काम करेगा। और ये हमारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो मेनली हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट पर काम करता है। हिपेटोसाइट मतलब लिवर सेल्स और एडिपोसाइट मतलब एडिपोज की सेल्स। तो इस तरह से ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों मिलकर के ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। अब एक हम पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस डिसऑर्डर क्या होता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा टाइम तक रह जाता है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है। इस डिजीज़ में यूरिन के साथ में ग्लूकोज निकलने लगता है और हार्मफुल कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, और इंसुलिन थेरेपी जो है उसके थ्रू इसका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो अब हम एक बार पेनक्रियाज का एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं, जिससे हमें पता लगे कि पेनक्रियाज कैसा होता है। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, पेनक्रियास के बारे में। आज टेस्टिस, ओवरी और हमारी बॉडी के और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होने के बावजूद भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस मेल बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, वन पेयर होता है, स्क्रोटल सेक में प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरस्टिशियल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। इसमें लेडिक सेल्स जो कि इंटर ट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, एंड्रोजन अ ग्रुप ऑफ हार्मोन मेनली टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। देन जो एंड्रोजन हार्मोन है वो मेल बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। उसके साथ साथ एंड्रोजन हार्मोन मेल में जो अदर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ईटीसी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैच्यूरेशन फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है।
उसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन जो है वो मेल बॉडी में मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर की ग्रोथ, अग्रेसिवनेस और लो पिच वॉइस, इसको भी स्टिमुलेट करता है। ये कैरेक्टर भी एंड्रोजन हार्मोन ही प्रोवाइड करता है। मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होते हैं। उसके साथ साथ एंड्रोजन की वजह से ही मेल में जो मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है जिसको लिबिडो बोलते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने का काम भी एंड्रोजन हार्मोन करता है। उसके साथ साथ ये हार्मोन मेल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को सिंथेटिक या एनाबॉलिक इफेक्ट देते हैं। ओवरीज फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, वन पेयर में होती है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, जबकि जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और ओवरीज जो है वो हर मंथ एक ओवम रिलीज़ करती है, मतलब फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके हर मंथ में एक ओवम रिलीज़ करती है। और ओवरीज जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स प्लस स्ट्रोमल टिश्यूज़ की बनी होती है। मेनली जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वही एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है। और ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियन में कन्वर्ट होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के जो अदर सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ, मैचुरेशन के लिए काम करता है, रोल प्ले करता है उसमें। देन एस्ट्रोजन की वजह से ही फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ, हाई पिच वॉइस और फेशियल हेयर का कम आना, ये सब इन सबको स्टिमुलेट करने का काम भी एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। उसके साथ साथ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ प्लस मिल्क उनमें जो एल्वियोलाई होती है उसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। उसके साथ साथ मिल्क के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एल्वियोलाई जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मिल्क को स्टोर करती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के कुछ टिश्यूज़ जो कि नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड होते हुए भी हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट जो कि ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर रिलीज करती है जिसका काम होता है बीपी को कम करना। जब हमारी बॉडी में बीपी बढ़ जाता है तो ANF रिलीज होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और बीपी कम हो जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। देन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी जो कि एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है और इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर वापस आपको ध्यान देना है, हमने एक हार्मोन पढ़ा था थायरॉयड ग्लैंड में, थायरॉयड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो भी RBC फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो भी RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा इरिथ्रोपोइटिन जो कि पेप्टाइड हार्मोन है वो भी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को, मतलब RBC फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने का काम करे। तो इस चैप्टर में हमने तीन जगह पढ़ा, आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। देन हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग जगह पर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं। मेनली ये चार पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन CCK एंड GIP, गैस्ट्रिन इनहिबिट पेप्टाइड। तो अब हम देखते हैं कि ये चारों पेप्टाइड हार्मोन किस तरह से काम करते हैं। हमारा जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर काम करता है और उसको HCL और पेप्सिनोजन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। देन सिक्रेटिन ये पेनक्रियास के एक्सोक्राइन वाले पार्ट पर काम करता है और उसको बाइकार्बोनेट और वाटर को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। देन CCK कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये एक्सोक्राइन और गॉल ब्लैडर दोनों पर काम करता है, पेनक्रियास को पेनक्रेटिक एंजाइम और गॉल ब्लैडर को बाइल जूस सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। देन GIP इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। और बहुत सारी और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि एंडोक्राइन नहीं है उसके बाद भी हार्मोन रिलीज करते हैं, इनको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर एसेंशियल होते हैं टिश्यूज़ की नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयरिंग, रीजनरेशन के लिए। कुछ हार्मोन काम कैसे करते हैं उसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है, डेवलपमेंट है, उन सबको रेगुलेट करते हैं। तो जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें दो दिए हुए हैं हमारी NCERT में, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स
और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे, और जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें भी मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। देन हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पैराग्राफ की जो लाइन है वो ये है कि हार्मोन्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं, रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हार्मोन्स स्पेसिफिक नहीं होते, रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर केवल एक ही हार्मोन से बाइंड करेगा। तो इस तरह से हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना बना करके हार्मोन्स हमारी बॉडी के बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर जो डेवलपमेंट है सबको रेगुलेट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स से जब हार्मोन्स बाइंड करते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। तो जब हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ेगा तो वो सीधा टारगेट सेल में एंटर नहीं कर सकता, तो इसका वो एक ऑल्टरनेट निकालेगा। तो जो हार्मोन है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, जैसे कि AMP, साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम आयन। तो जब सेकेंडरी मैसेंजर बन गया तो इसके थ्रू वो टारगेट सेल में एंटर करेगा, फिर उसके बाद वो टारगेट सेल में बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा, देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, जो उस हार्मोन का फंक्शन है वो उसको परफॉर्म करेगा। देन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे हार्मोन्स वो सीधा ही जीनोम से इंटरेक्ट करेंगे और जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। तो इस तरह से हार्मोन्स हमारी बॉडी के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रेगुलेट करता है। देन हमारी NCERT में दिए हुए हैं कि हार्मोन्स को हम लोग उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनियस हार्मोन। इसके एग्जांपल्स हैं इंसुलिन, ग्लूकेगोन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देन स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और हमारा प्रोजेस्टेरोन आता है एंड कॉर्टिसोल। उसके बाद हमको दिया हुआ है आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स, जिसमें थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन है। देन हमें दिया हुआ है अमीनो डेरिवेटिव्स, जिसका एक एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने हमारा चैप्टर अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया, NCERT के एक एक लाइन कंप्लीट किए। चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप पढ़ना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आप अगर आपके कोई और डाउट्स हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।